स्टिफनूस और फिलिपूस। अगले मसीह ने तामुंजी स्टिफनूस नाव का एक मरोथिया सभी लोग तेस का आदर करो थिए। पवित्र आत्मा तेस के बुरी सी शक्ति और बुद्धि दे रहे थे। स्टिफनूस से बुरी से चमत्कार कर रहे थे। जब तेने यीशु पांदी भरोसा करने के बारे मुंजी शिक्षा दे तो बुरी से लोग तेस पांदी विश्वास करा। एक ही दूसरे स्टिफनूस से यीशु के बारे मुंजी शिक्षा दे लो थे और किच्छे ऐसे यहूदी लोग हुए जिनमें यीशु पांदी विश्वास न कर रही थी और तैसियारी बहसबाजी करने शुरू करे। से बेजाय गुस्से हो गए। इत करिए से धर्मी नेता के दौरे होटे और तेस के बारे में झूठो बोलो। तुमने बोलो अमो स्टिफनूस के मूसा और परमेश्वर के बारे में जी बुरी बात तो बोल दे बे ईशोने रहे। इत करिए धर्मी नेता है स्टिफनूस के उंडा पकड़ा और तैसे के महायुद्धी पुरोहितों के और यहूदी लोगों के ओकी नेता के लय गए। हजो बे झूठे गवाह होवे और तीनों स्टिफनूसों के बारे दो झूठो बोलो। महायुद्धी पुरोहित स्टिफनूसों के दो पूछो का तीनों लोग तेरे बारे में सचो बोले लो। स्टिफनूस से महायुद्धी पुरोहितों के जवाब देने करिए बुरी सी बात बोलनी शुरू कर दी। तेने बोलो कि अब्राहम के समय दो उंडो यीशु के समय तोड़ी परमेश्वर इसराइल के लोगों करिए बुरी शनों के काम करे पर लोग हमेशा परमेश्वर की आज्ञा न मानी। स्टिफनूस से बोलो तुम्हें परमेश्वर के खिलाफ हटी ले और बुरु करने वाले लोग सो तुम्हें कोलोई बे पवित्र आत्मा के ना अपनाई जैसे के हमारे पुरानिया हमेशा पवित्र आत्मा के ना अपनाई और हमेशा परमेश्वर की बातों बताने वाले के मारे दिए थे पर जो तीन कर रहे थो तुम्हें तीन तु बे बुरु करो तुम्हें मसीह के मारे दिया। जब तीन दुर्मी नेता ये जो सुनो तो से इसे गुस्से हो गए कि तीनवे अपने कान बंद कर दिए और जोरो किलेरो मारी तीनों स्टिफनूस के जोड़ियो नंगरो पर से बाहर निया और तैसे मारनो करिए पाथर टीपे और तैसे के पाथरों ले मारा। जब स्टिफनूस मर्दा लागे रुआ थिया तेने जोर से बोलो ओरे यीशु मेरे आत्मा कबूल कर। तब से अपने गुंड नड़ाए बा उधर रीढ़ा और अट्टियों जोर से बोलो ओरे प्रभु ऐजा पाप तीन पांदी ने लाया। तब से मोरे गुआ तैसे दूस से यरूशलेम शहर दे रोने वाले बुते लोग यीशु के शिक्षा मानने वाले के सोताने शुरू कर दिए। इत करिए विश्वासी लोग ओ किठाओं दे भाग्य गुए पर इतके बावजूद बे जिते कोथी बैसे होटे तीनों यीशु के बारे में जी प्रचार करा। फिलिपूस नाव का आदमी यीशु का एक विश्वासी थिया जैसे के ओ की बुरी से विश्वासी कर रहे थो से बे यरूशलेम परेशा दौड़े गुआ से सामरिया गाँव का होटा तेने तिथे लोगों के यीशु के बारे में जी प्रचार करा। बुते लोग तेस पंदी विश्वास करा और मुक्ति पाए। एक दूस फिलिपूसों के दौरे परमेश्वर के डो बोझा एक स्वरदूत हुआ और तैसे के जंगलों पुणा जानो करिए और एक ही शोर के पांदी हांडनो के बोलो। फिलिपूस तीते होटे गुआ जब से त्यों शोर के पुंडा हांडी रुआ थिया तो तेने एक आदमी के अपने रथों पांदी जान दे भी देखा। ऐजा आदमी कूश देश का एक खास अधिकारी थिया। पवित्र आत्मा फिलिपूस के बोलो कि जाए बा तैसे आदमी आरी हांड। इत करिए फिलिपूस रथों के दौरे होटा तेने सुनो कि तैसे कुछ आदमी परमेश्वर का वचन पढ़े लुआ थिया जो यशाया परमेश्वर की बातों बताने वाले लिखे रहा थिया। तेने तिथु पढ़ी लो थियो तेने जा वचन पढ़े लुआ थिया तीनवे तैसे के बोली करने वाले बेड़ो के जश्ना अगुनिया और जैसे के ए गपटू मैसो रो तैसे के ईश्वर बे एक आखर न काढ़ी। तीनवे तैसे अरी बुरा बर्ताव करा और तैसका आदर न कोरी तीनवे तैसे के मारे दिया। फिर पूछे तैसे कुछ आदमी कहीं दो पूछो जू तुए पढ़े लो का तू तिथु बे समझे। तैसे कुछ आदमी जवाब दिया ना जाओ तोड़ी कुने इथु मुखे समझाओ ना हाँ ताओ तोड़ी इथु समझे न सोकू ताके मेरे ढाल आसो और आए बे मेरे दो बूट और मुखे बता कि ये शाया है ये जो अपने बारे मुझे लिखे लो थियो या कुछ ओकी के बारे मुझे। फिलिपूस रथो पांदी बोठे गुआ तब तेने तैसे कुछ आदमी कैसे जो बताऊ जो यशया यीशु के बारे मुझे लिखे रहे थियो। फिलिपूस से परमेश्वर के वचन के बोरी से ओकी बागो के बे चर्चा करे ऐसे के तेने तैसे आदमी के यीशु के बारे मुझे सुसमाचार सुनो हुआ। फिलिपूस और सहजा कुशी हाँड़ते हाँड़ते पानी के दौरे पहुंचे और तैसे कुशी आदमी बोलो देख इतने पानी असो का हाँ बपतिस्मा लो सकू और तेने सरती के रथ रुकनो करिए बोलो और असे पानी मुझे होटे और फिलिपूस से तैसे कुशी आदमी के बपतिस्मा दिया। जब से पानी पर से बाहर ओवे तब पवित्र आत्मा एकदम से फिलिपूस के टेप्यों कोसे उठाऊँ दा निया और एकदम से तैसे कुशी आदमी कहीं दा
हाँ चिगुआ और तीते फिलिपूस लोगों के ही यीशु के बारे में जी बतांदा रुआ सेजा खुशी आदमी अपने गौरव के यात्रा पांदी अगोटा से खुशी थिया कि से अबे यीशु के जानो थिया प्रेरितों के काम अध्याय 6 और अध्याय 8 पौरे से बाइबल की एक कहानी।